थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है। Realme P सीरीज का एक नया स्मार्टफोन Realme P1 Speed 5G ये इंडिया पे 15 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। वैसे आज 9 तारीख है, इसके बाद इस फोन का लॉन्च इवेंट आएगा, बट लॉन्च इवेंट आने से पहले जो भी डिटेल्स वगैरह है वो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, जो कि मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए। Realme का ये जो P सीरीज होता है ये स्पेशली एक गेमिंग या फिर कैमरा ओरिएंटेड फोन्स बनाए जाते हैं Realme की तरफ से। आप अगर देखते हो P सीरीज में बहुत सारे फोन्स पॉपुलर है फॉर देयर कैमरा परफॉर्मेंस, ऑल्सो देयर गेमिंग परफॉर्मेंस। जो P1 स्पीड है इसमें स्पीड ऐड किया गया है, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे अच्छी चीज भी डाले जाएंगे। नो डाउट ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, अगर आप एक अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हो Realme की तरफ से P सीरीज के अंदर। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। मेरे चैनल के अंदर ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, आगे जाके और भी मिलते रहेंगे। वीडियो की शुरुआत में बता दो इस फोन के बारे में जो भी इंडियन रिटेल प्राइस वगैरह होंगे, कौन से वेरिएंट के साथ आएंगे, क्या क्या कलर्स रहने वाला है और बाकी के सारे चीजें इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इस फोन के अंदर में बताया जा रहा है Dimensity का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, फिलहाल इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। बाकी बता दें कि P सीरीज के अंदर दो फोन्स ऑलरेडी लॉन्च हो गए थे, Realme का P1 एंड P1 Pro सीरीज के फोन्स थे। अभी P1 स्पीड मतलब इसका ही तीसरा भाई आने वाला है इंडिया पे, और ये Dimensity के प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तो इसका फर्स्ट लुक देख लेते हैं। कुछ ऐसा झलक निकल के आया है फोन का, आप देख सकते हो, और यहाँ पे बताया गया है 7,50,000 प्लस बेंचमार्क जो स्कोर है, तो बेंचमार्क स्कोर वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक Dimensity के प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। फोन को अगर आप देखते हो तो फोन दिखने में Realme के वही आपको सिग्नेचर डिजाइन के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि लग्जरी स्मार्ट वॉचेस के आते हैं अभी के टाइम पे। Realme के जो 12 सीरीज, 13 सीरीज, ऑल्सो द 14 सीरीज जो है आपको ऐसे ही टाइप में देखने को मिलेगा। ये भी वैसा ही टाइप का डिजाइन लेके आ रहा है, आपको राउंड टाइप का कैमरा कटआउट मिलेगा जिसमें ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ एक फ्लैश और Realme का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। इस बार दो कलर्स के साथ ये फोन लॉन्च हो सकता है, मे बी एक कलर तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और पीछे के साइड में पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगा, नॉट ग्लास बॉडी, एंड जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का रहने वाला है। बट ये फोन बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, क्योंकि P सीरीज के अंदर में आपको बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्प्ले के बारे में बात करें तो Realme के फोन्स के अंदर अभी ज्यादातर हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, सेम एज लाइक इस फोन के अंदर भी आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा सेंटर कंसोल के साथ, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट रहेगा। एंड अच्छी बात तो यह इस बार एमोलेड को हटा के ओलेड डिस्प्ले देने का कोशिश किया है कंपनी ने, यह अप्रोच बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा भी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको 92.65% का स्किन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी चीजें खुलासा हुए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी और भी सारी चीज रहेंगे इस फोन के साथ। लाइक इसमें आपको जो ब्राइटनेस है वो 1600 nits का देखने को मिल सकता है, मे बी 2000 प्लस nits का भी हो सकता है, जो कि अभी के टाइम पे लेटेस्ट है Realme के फोन्स के अंदर, वैसा ही इसमें भी रहेगा। OLED डिस्प्ले है, इसका मतलब बाहर में जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी इस फोन के अंदर रह सकता है, इतना सुनने को आ रहा है। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो इस फोन के अंदर में आपको LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिल जाएगा। जिस चीज को सबसे ज्यादा टीज किया जा रहा है इसका वर्चुअल रैम सिस्टम, जो कि है 26GB तक रैम आपको देखने को मिल सकता है इस फोन के अंदर में, इंक्लूडिंग द वर्चुअल रैम। तो हम पकड़ सकते हैं कि 12GB का रैम इस फोन में जो अपर वेरिएंट है उसमें हो सकता है, बाकी एक 8GB 128GB वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, और एक 12GB 256GB वेरिएंट भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको वर्चुअल रैम 12GB या फिर 8GB का देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि LPDDR5 रैम में वर्चुअल रैम आपको मिल रहा है। इसके अलावा UFS 3.1 स्टोरेज टाइप इस फोन के अंदर रह सकता है, इतना सुनने को आ रहा है। बाकी डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, एंड इस फोन के स्टोरेज को आप एक्सपांड नहीं कर सकते हो, आपको SD कार्ड स्लॉट का जगह नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं प्रोसेसर की तरफ, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा था, 7,50,000 प्लस एंटू बेंचमार्क स्कोर। ये जो प्रोसेसर ये Dimensity की तरफ से आता है, मतलब MediaTek Dimensity 7300, ये प्रोसेसर बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स है ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं इंडिया पे, और ये सिमिलर प्रोसेसर के साथ आ रहा है इस फोन में भी। इसका परफॉर्मेंस और इसके जो बेंचमार्क स्कोर है ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है इंडिया पे, बाकी इस फोन के अंदर में किस प्राइस में ये प्रोसेसर दिया जा रहा है वही चीज हमें देखना है। 7,50,000 जो स्कोर है वो कंपनी बार बार बता रहा है, तो इसका मतलब आपको अच्छा खासा गेमिंग तो इसमें मिल जाएगा। बाकी 4nm का TSMC प्रोसेस के ऊपर ये बेस्ड है, तो इसमें आपको बैटरी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। एक तो अच्छी अप्रोच ये है कि कंपनी इस बार वेपर कूलिंग का भी इस्तेमाल करेगा इस फोन के अंदर में, ये सुनने को आ रहा है। तो कॉपर वेपर कूलिंग जो है ये आपको Realme P1 स्पीड में देखने को मिल जाएगा, और स्पेशली ये गेमिंग ओरिएंटेड स्मार्टफोन रहेगा तो इसके अंदर में आपको जो वेंट्स है वो भी बहुत अच्छे दिए जाएंगे फॉर एक्सटर्नल कूलिंग। इसके अलावा जो बैटरी है बताया जा रहा है इस फोन में 6050mAh का देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अगर बैटरी आप इस्तेमाल करते हो तो लगभग 2-2.5 दिन तक तो ये बैटरी आराम से निकल सकता है आपसे। अब चार्जिंग जो होगा इस फोन के अंदर में 45W का एडाप्टर के साथ देखने को मिलेगा,
बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं 5000 mAh का बैटरी आ सकता है, बट नहीं, इस बार थोड़ा अपग्रेड किया है कंपनी ने, एंड इस बार आपको 50 MP का AI कैमराज भी देखने को मिल जाएंगे पीछे के साइड में, ट्रिपल कैमरा, एंड फ्रंट में आपको मे भी हो सकता है 16 या फिर 32 MP के कैमरा देखने को मिल सकता है। रियलमी इस बार इस फोन के अंदर में IP65 रेटिंग भी देने वाला है। सो कुल मिला के ये थे सारे स्पेक्स इस स्मार्टफोन का, जो कि अपकमिंग रियलमी P1 स्पीड का मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इस फोन के लिए वेट कर रहे हो तो मैं बताऊंगा जरूर वेट करो, क्योंकि इसका प्राइस जो हो सकता है 23,000 से लेकर 24,500 के आसपास हो सकता है, मतलब 25,000 रुपीज के अंदर ही रहेगा ये फोन इंडिया पे लॉन्च होगा, और बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको 22-23,000 में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। इसका अपर वेरिएंट भी आने वाला है, सो हम लोग वेट कर सकते हैं इस फोन के लिए। आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आप रियलमी P1 स्पीड के लिए एक्साइटेड हो। बाकी ये जो सारे स्पेसिफिकेशंस थे मैंने आपके साथ शेयर किया, आगे जाके और भी अगर मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको नए वीडियो के अंदर जरूर बताता रहूंगा।